आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबादी पर बड़ी बात कह दी। योगी ने कह दिया कि आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो जो मूल निवासी हो और उनकी आबादी नियंत्रित कर दी जाए। योगी ने कहा कि जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है वहां आबादी का असंतुलन जो होता है उससे चिंता होती है। सिर्फ आबादी बढ़ रही है ये नहीं होना चाहिए, आबादी में संतुलन भी होना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता पैदा होने लगती है। सवाल यह कि योगी की चिंता कितनी सही है और क्या यह सच है कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से भारत का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने जरा इसके लिए कुछ आंकड़े निकाले, वो आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले योगी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। तभी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ असंतुलन जो होता है आबादी के बढ़ने में उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ा आंकड़े खंगालते हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी और चूंकि जो दो बड़ी आबादियां इस देश के अंदर वो हिंदू की हैं या फिर मुसलमान की है, तो हमने सोचा उन दोनों में ही कंपेरिजन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हिंदू आबादी और दूसरी तरफ हमने रखा मुस्लिम आबादी और इनको लेकर हमने देखा कि आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इसको देखते हैं। ये हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी, तो 1951 में जो पहली जनगणना हुई आजादी के बाद पहली जनगणना, उस वक्त हिंदू आबादी बताई गई कि 30 करोड़ 40 लाख थी इस देश के अंदर, 30 करोड़ से ज्यादा, करीब 30.5 करोड़ हिंदू आबादी थी। और मुस्लिम आबादी कितनी थी, वो थी 3.5 करोड़। तो मतलब 30 करोड़ हिंदू थे और 3.5 करोड़ मुसलमान थे। उसके बाद आई 2011 की जनगणना जो आखिरी है, पहली की बात कर दी अब आखिरी की बात कर रहा हूं। आज की डेट में हिंदू आबादी जो है वो 2011 में कहा गया कि 96.60 करोड़ हिंदू आबादी, अभी तो और बढ़ गई होगी, 2022 चल रहा है। और मुस्लिम आबादी तब बताई गई कि 17.20 करोड़ मुसलमान है, ये उस वक्त बताया गया। अब हर दशक में आबादी कितनी बढ़ी और किस वर्ग की आबादी में कितना बदलाव आया, जरा इसको समझना चाहिए। यह इंटरेस्टिंग आपको बताएगा कि कैसे क्या हुआ है। 1951 में जो पहली जनगणना हुई उस वक्त देश की आबादी में हिंदू 84% थे और 1951 में देश की आबादी में मुसलमान करीब करीब 10% ये छोटा छोटा आंकड़ा आ रहा है, बोर्ड पे लिखकर आपको बताता हूं। अब देखिए आपको इसका परसेंटेज दिखाता हूं, हिंदू और मुस्लिम इसका आंकड़ा देखिए आबादी 1951 में, ये आबादी का आबादी परसेंट दिखा रहा हूं, आबादी का प्रतिशत, ठीक है। 1951 में आपको बताया मैंने कि हिंदू आबादी थी 84.1% और जो मुस्लिम आबादी थी देश के अंदर वो थी 9.8%। अब जब 1961 का साल आया, हर 10 साल में जनगणना होती है, हिंदू आबादी घट गई, वो घटकर हो गई 83.4% और मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़कर हो गई 10.69%, मतलब करीब करीब 10.7%। फिर आया 1971 का साल, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद हिंदू आबादी और घट गई 82.73% हो गई और मुस्लिम आबादी का क्या हुआ
मुस्लिम आबादी फिर बढ़ गई 11.21% हो गई। फिर आया 1981 का साल, उस बार जनगणना हुई, उस बार देखा गया कि हिंदू आबादी का प्रतिशत थोड़ा ही घटा लेकिन फिर घट गया 82.3% हो गया, और मुस्लिम आबादी जो है वो थोड़ी बढ़ी लेकिन वो भी थोड़ी बढ़ गई 11.75%। 1991 में जनगणना हुई, उस बार हिंदू आबादी का क्या हुआ, और घट गई 81.53% रह गई, और मुस्लिम आबादी जो है वो 91 में बढ़कर 12.61% हो गई। तो एक बड़ा उछाल आया। फिर वो 2001 में जनगणना हुई, इस बार हिंदू आबादी फिर घट गई और बड़ी संख्या में घट गई 80.46%, करीब 1% आबादी गिर गई, 1% से ज्यादा, और मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब 1% बढ़ गई 13.43% पर आ गई। 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई उसमें हिंदू आबादी फिर नीचे आई, 80% से नीचे आ गई, 79.8% रह गई, और मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 14.2%। यानी हर दशक में आप देख लीजिए हिंदू आबादी लगातार थोड़ी घटे ज्यादा घटे घटती चली गई, और मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली गई। इसी बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि अभी ना लगे लेकिन आने वाले वक्त में जाकर ये इंबैलेंस नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिकी संस्था प्यू के एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत कैसा होगा, क्योंकि अभी तो ये लेटेस्ट जनगणना भी नहीं आई है तो पता नहीं है, तो प्यू ने एक रिसर्च किया, अमेरिकी संस्था है, और उसके मुताबिक 2050 का भारत कैसा होगा, जरा देखते हैं उसने क्या बताया। उसने बताया कि हिंदू आबादी जो बढ़ेगी वो 33% बढ़ जाएगी 2050 तक। आज के हिसाब से 33% बढ़ेगी और कुल जो है वो 130 करोड़ के आसपास होगी हिंदू 2050 में। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ेगी ये प्यू रिसर्च का बता रहा हूं, प्यू का, प्यू रिसर्च उनका बता रहा। मुस्लिम आबादी के लिए उन्होंने कहा कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 76% बढ़ेगी 76%, और ये आबादी बढ़ने के बाद कुल जो मुसलमानों की संख्या हो जाएगी वो 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। इसी इंबैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ईसाइयों की आबादी कितनी बढ़ेगी इसको लेकर इस रिसर्च में क्या कहा गया भाई, ईसाइयों के लिए कहा गया कि उनकी आबादी 18% बढ़ेगी और वो बढ़कर हो जाएगी 3,70,00,000। और अन्य की आबादी कितनी बढ़ेगी, अन्य वो बढ़ेगी 5% और बढ़कर हो जाएगी 4,60,00,000। तो अगर आप कुल मिलाकर देखिए, ये रिसर्च है, 100% ऐसा ही होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका आंकड़ा 130 और 31 161 हो गया, 164 168 मतलब करीब 170 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे, और 170 करोड़ में 130 करोड़ हिंदू होंगे, 31 करोड़ मुसलमान होंगे, 3 करोड़ ईसाई होंगे और बाकी जो है वो 4 करोड़ होंगे। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी 76 बढ़ेगी परसेंट के हिसाब से, हिंदुओं की 33%, ईसाइयों की 18% और अन्य की 5%। तो योगी आदित्यनाथ का कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्लैट लगा दीजिएगा कि किसी को इतना नहीं करना है या जनसंख्या नियंत्रण सब पे बराबर से लागू कीजिएगा तो ये डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है, इस डिसबैलेंस पर चर्चा होनी चाहिए। अब अगर आप फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर देखें तो ये सभी वर्गों में कम है, यानी सभी वर्ग के लोग अब कम बच्चे चाहते हैं, फिर भी फर्टिलिटी रेट
अभी भी मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS का डेटा कहता है कि 1992-93 में मुसलमानों में प्रजनन दर 4.41% थी, यानी करीब एक महिला औसतन अपने जीवन काल में 4 या 4 से ज्यादा बच्चे जन्म दे रही। 1998-99 में ये 3.5% हुई, मतलब 3 बच्चे या 3 से ज्यादा। फिर 2005-06 में ये 3.4 पर आई, यानी मतलब अभी भी 3 या 3 से ज्यादा बच्चे मुसलमान महिला पैदा कर रही थी। 2015-16 में ये 2.62 घटकर हो गई प्रतिशत, यानी 2 या 2 से ज्यादा या 3 बच्चे। और 2019-21 के सर्वे में प्रजनन दर 2.36% रह गई मुस्लिम महिला के लिए, यानी औसतन मुस्लिम महिला 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही। हिंदुओं के लिए प्रजनन दर क्या थी? 1992-93 में 3.3%, यानी एक महिला 3 या 3 से ज्यादा बच्चे कर रही थी। 1998-99 में 2.78%, यानी 2 से 3 बच्चे। 2005-06 में करीब 2.5%, यानी 2 या 3 बच्चे। 2015-16 में ये 2.13% हो गई, यानी करीब करीब 2 बच्चे। और 2019-21 के डेटा के मुताबिक हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 1.94% रही, यानी 1 से लेकर 2 बच्चे। NFHS का सर्वे 1992-93 में पहली बार शुरू हुआ था, तब भारत की कुल प्रजनन दर 3.4 थी, यानी भारत में औसतन एक महिला 3 से 4 बच्चे पैदा कर रही थी। अब भारत की प्रजनन दर 2 है, यानी औसतन एक महिला 2 बच्चे पैदा करती है। यानी हिंदुओं का आप देखें तो जो औसत प्रजनन दर देश की है उससे कम है, और मुसलमानों की प्रजनन दर अब भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, और हिंदुओं की ये पहले भी औसत से कम थी और अब भी औसत से कम चली गई। आबादी का बैलेंस कैसे बिगड़ता है, यह आपको 2 उदाहरणों से बताता हूं। जब राज्यों की कुल आबादी में एक दशक में हिस्सेदारी कितनी बदली है यह आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 2001 में केरल की हिंदू आबादी 2001 में 56% के करीब थी, और मुस्लिम आबादी जो है वो 24.7% थी। ये 2001 का केरल और पश्चिम बंगाल का बता रहा हूं। केरल में 56% थी हिंदू आबादी, और 2001 में पश्चिम बंगाल की 72.5%। अब आप देखिए कि 2011 के जनगणना में क्या निकल कर आया। पहले मुस्लिम आबादी देख लीजिए, केरल की मुस्लिम आबादी कितनी थी, करीब 25%, और पश्चिम बंगाल में भी 25%। अब 2011 में हिंदू आबादी क्या रह गई, घटकर हो गई 56% के आसपास, और पश्चिम बंगाल में 70.5%, 10 साल में घट गई। और मुस्लिम आबादी बढ़ गई, वो हो गई करीब 27% केरल में भी और पश्चिम बंगाल में भी 27%। यानी 10 साल में हिंदू आबादी केरल में 1.5% घट गई और पश्चिम बंगाल में 2% घट गई। जबकि अगर आप देखेंगे केरल में मुस्लिम आबादी तो वो करीब 1.9%, यानी 2% बढ़ गई, और पश्चिम बंगाल में भी 2% बढ़ गई। ये आपको 2 उदाहरण बताया कि किस तरीके से आबादी का अनुपात जो है वो अलग अलग दिशा में जाता है। बात किसी एक वर्ग की नहीं, बात बढ़ती आबादी की, क्योंकि बढ़ती आबादी का बोझ बर्दाश्त करना आसान नहीं है। आबादी बढ़ती रही तो वही होगा जो यूपी के फतेहपुर में दिखा, जहां एक ऑटो रिक्शा में 27 लोग सवार थे, 27 एक ऑटो में। अभी ये उतरते जा रहे हैं, आप गिनते जाइए। ऑटो में ज्यादा सवारियां देखकर पुलिस ने उसे रोका, और जब उसमें से सवारियां उतरनी शुरू हुई तो पुलिस हैरान रह गई। ऑटो से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 27 लोग निकले। ये वीडियो देखिए एक बार जरा फुल फ्रेम, फिर आगे बताता हूं। इक्कीस 22 23 23
उधर आपने आ जाओ, उधर जाओ, 25, 26। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तो ड्राइवर वाले को, ड्राइवर को मिला लीजिए तो 27 लोग ऑटो में बैठे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको भेजना चाहिए, शायद नाम दर्ज हो जाए। ऑटो बनाने वाली कंपनी के जिस आदमी ने इस ऑटो को डिजाइन किया होगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा देख के कि उसने भी जीवन में नहीं सोचा होगा कि इसमें 27 लोग आ सकते हैं। इसमें अभी ऊपर नहीं बैठाया, इंडिया में तो ऊपर छत पर बैठाने का भी रिवाज है, लटकने का भी रिवाज है, अभी तो लटके नहीं है। तो तब ये 27 है, अगर इस ऑटो वाले का बस चलता तो ये पता नहीं 35-40 बैठा लेता। ये है डिसबैलेंस जो कह रहा हूं, ये है इंबैलेंस जिसकी बात कर रहा हूं।